हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साउथ इंडिया का पॉपुलर स्नैक अप्पे बनाएंगे। साउथ इंडिया में ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, जैसे पनियारम, पड्डू या अप्पे। नॉर्थ इंडिया में जिस ढंग से समोसा पॉपुलर है, वैसे ही साउथ इंडिया में अप्पे पॉपुलर है। आज हम इसमें वेजिटेबल्स डालकर वेजिटेबल अप्पे बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा, राइस फ्लावर और आधी कटोरी सूजी ली है, सेमोलिना। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 3/4 कप दही डालेंगे। अब इन सब को हम मिला लेंगे। कई लोग इसे सिर्फ सूजी से भी बनाते हैं, पर चावल का आटा डालने से ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें हम पानी मिलाते जाएंगे और इसका एक अच्छा बैटर बना लेंगे। इसमें धीरे धीरे करके हमें पानी मिलाना है, जिससे कोई लंप ना रहे, और इसे मिक्स करते जाना है। अभी ये बैटर थिक है, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। देखिए, अब ये बैटर तैयार हो गया है। इसमें हम बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स डालेंगे। गाजर हमने बारीक काट के रखी है, बारीक प्याज काट के रखा है हमने, ग्रीन शिमला मिर्च, येलो पेपर, येलो कलर की शिमला मिर्च, रेड पेपर, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर में वेजिटेबल्स का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप राई और करी पत्ते का तड़का भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, जिससे ये बैटर फूल जाए। देखिए, अब हमने फ्रूट सॉल्ट मिलाया है, हमारा बैटर थोड़ा फ्लफी हो गया है। हमारा बैटर अब बिल्कुल तैयार है। अब हमने गैस ऑन की है, उस पे हमने इसका सांचा रखा है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। अब ये काफ़ी गर्म हो गया है, इसमें जो हमने बैटर बनाया था वो इनमें सब में हम फिल कर देंगे। एक एक चम्मच से डालते जाएंगे और इसको सांचों में डाल देंगे। अब इस पे हम ढक्कन ढक देंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए, हमारे अप्पे एक तरफ से सिक गए हैं। अब इनको हम पलट देंगे और पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए हम फिर से ढक देते हैं, जिससे ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए। देखिए, हमारे ये अप्पे कितने अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, दोनों तरफ से सिक गए हैं। इनको हम बाहर निकाल कर चटनी, सांभर, कोकोनट चटनी किसी के साथ भी हम खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस स्नैक है। Isn't it? They look so awesome. Wow. And they are delicious too. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. Bye bye.